वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कहानी उसके बारे में। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। हमारे 1,88,000 हो गए, 2 लाख करने हैं तो जाके करा दो। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जो BYD है उसकी इंडिया में काफी सही सेल हो रही है, थोड़ी बहुत सही हो रही है। और इस ब्रांड की जो सील है, जो कि इस ब्रांड की थोड़ी कूल दिखने वाली टेस्ला मॉडल 3 की राइवलिंग एक सेडान है, उसका इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इसलिए कन्फर्म होता है क्योंकि BYD की जो इंडिया की ऑफिशियल साइट है उस पर इस गाड़ी के बारे में अपलोड करना शुरू कर दिया कंपनी ने कि गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। 700 के आसपास की आपको मिलने वाली है और ऐसे बढ़िया वाली लुक्स मिलने वाली है। तो देखते हैं इस गाड़ी का लॉन्च कब होता है, लेकिन अभी कुछ महीने बाद इस गाड़ी का लॉन्च होगा। अभी तो इस ब्रांड को जो एटो 3 है उसकी डिलीवरीज प्रोवाइड करनी है, उसके बाद इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या होता है और कितने की यह गाड़ी लॉन्च होती है। अराउंड 35 के आसपास की अगर लॉन्च हो, काफी तगड़ी डील होने वाली है। फिर जो आज की अगली न्यूज है काफी अलग सी है कि जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक है उसके वेटिंग पीरियड के बारे में डिटेल्स आ गई है। और इस गाड़ी पे 26 हफ्तों का या फिर 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है स्कॉर्पियो क्लासिक पे। इतना वेटिंग पीरियड इस गाड़ी पे तब नहीं था जब सिर्फ स्कॉर्पियो ही आती थी, मतलब स्कॉर्पियो एन नहीं आती थी। अब इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड पहले से भी बढ़ गया है, मतलब स्कॉर्पियो एन के बाद इस गाड़ी की डिमांड और बढ़ गई है, जबकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस गाड़ी की सेल्स कम हो जाएगी पहले से, क्योंकि ऑब्वियसली स्कॉर्पियो एन आ गई है तो लोग उसको प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक। और लोग स्कॉर्पियो एन तो ले रही है, स्कॉर्पियो क्लासिक भी ले रही है और 6-6 महीने की वेटिंग आ रही है। और ये गाड़ी तो ऐसी भी नहीं है कि इसमें ऐसे बहुत ही सारे चिप वगैरह डलती है या फिर ऐसे बहुत टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसकी वेटिंग पीरियड बढ़ा हुआ है चिप शॉर्टेज के चक्कर में। इस गाड़ी में लिटरली कुछ नहीं डलता, एकदम बेसिक गाड़ी है 10 साल पुरानी, तब भी इस गाड़ी पे इतनी डिमांड आ रही है और लोग ऐसे काफी हंस खेल के इस गाड़ी को ले रहे हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस भी 3 लाख के आसपास कम हो गया था। तो इसलिए भाई अगर कोई भी कार मेकर अपनी गाड़ी को इंडिया में आजकल सही प्राइस में लॉन्च करे तो उसकी डिमांड है, कहीं ना कहीं उस गाड़ी की डिमांड है, कोई ना कोई बंदा उस गाड़ी को लेने वाला है। ऐसे नहीं है गाड़ी बिना बिके चली जाएगी इंडिया से। देख लो भाई, एक 20-22 साल पुरानी गाड़ी इंडिया में बिक रही है और 6 महीने की वेटिंग आ रही है उस गाड़ी पे। और हाँ, इस गाड़ी की लुक्स भी काफी एनहांस हो गई ऑब्वियसली पहले से, आपको ग्रिल वगैरह नहीं मिलती है। और यार 26 हफ्ते की 6 महीने का वेटिंग पीरियड इस गाड़ी के लिए जो कि इतने सालों से आ रही है, पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है मार्केट में। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो महिंद्रा की XUV400 है उसकी इंडिया में आपको पता है बुकिंग स्टार्ट हो गई थी और इस गाड़ी को आसपास अराउंड 20,000 बुकिंग्स मिल गई है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट होने वाली है। और महिंद्रा को इस गाड़ी का लॉन्च थोड़ा स्पेशल बनाना था, तो उन्होंने जैसे अपनी पहले वाली गाड़ियों में किया है तो इस गाड़ी में भी करा कि इस गाड़ी का ऐसे स्पेशल एडिशन लॉन्च करके इसकी पहले वाली जो गाड़ी है या फिर पहली यूनिट है उसको ऑक्शन ऑफ कर दिया और जो भी सारे ऑक्शन के प्रोसीड्स है उसे वो चैरिटी में डोनेट कर देंगे। और इस बार महिंद्रा ने क्या करा कि XUV400 की ऑक्शन को थोड़ा और यूनिक बनाने के लिए इसका एक स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया, जिसे प्रताप बोस और एक और डिजाइनर ने मिलकर बनाया, जिसमें आपको थोड़े ऐसे अलग से एलिमेंट्स मिलते हैं, आपको स्टिकर वगैरह मिलते हैं और थोड़ी कूल है गाड़ी, वैसे अंडरलाइनिंग पूरी सेम है। और फिर इस गाड़ी की ऑक्शन स्टार्ट होती है और इस गाड़ी की जो फाइनल बिड है वो 1,75,000 रुपए की डलती है। तो कोई इंडिया में एक इंसान है जिसने 1,75,000 रुपए की महिंद्रा XUV400 ली है। और हाँ, ऑब्वियसली पता है कि जो सारे प्रोसीड है वो चैरिटी में जाने वाली है। और यार काफी सिग्मा मेल थे और इनका नाम भाई अगर मैं गलत लू तो सॉरी, करू नाहर ऐसे कुछ नाम है जो कि हैदराबाद के एक बंदे है। तो इन्होंने 1 करोड़ की XUV400 ली है और ये चाहते तो BMW X6 ले सकते थे, ये चाहते तो रेंज रोवर विलार ले सकते थे, पर इन्होंने चूज करा XUV400 लेना और पैसों को चैरिटी में डोनेट करना। तो भाई ये रियल के सिग्मा मेल है, आप जो मर्जी कहो, बहुत तगड़ा लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एक 15 लाख की गाड़ी को 1 करोड़ के प्राइस में लेना, जब आपको पता है कि वो 15 लाख की गाड़ी में एडिशनल कुछ वैल्यू भी नहीं है 1 करोड़ वाली। तो काफी अलग से इंसान होते हैं ऐसे। और भाई मैं भी ऐसे ऑक्शन वॉक्शन करना शुरू कर दूं क्या, ऐसे यूनिट वन की ऐसे एक ही यूनिट बना के ऑक्शन कर दूं क्या मैं? ऑब्वियसली मैं गाड़ी तो बनाता नहीं, तो ऐसा करता हूं मैं वीडियोस बनाता हूं, फिर उन्हें सबको अनलिस्टेड कर दूंगा और उसके बाद जब फिर उनको दिखाने के लिए मैं पहला जो व्यूअर होगा उसे 5 लाख रुपए ले लूंगा। तो अगर आपको पहला व्यूअर बनना है तो 5 लाख रुपए भाई UPI पेमेंट कर देना, मतलब UPI होता नहीं, ट्रांसफर कर देना बैंक में, आपको बढ़िया पहला व्यू मिल जाएगा मेरी वाली वीडियोस पे। और हाँ, व्यू से आता है कि आप सबके लिए ऐप लाओ जिससे आप लिटरली चल के अपने पैरों का इस्तेमाल करके आप रिवॉर्ड कमा सकते हैं क्रिप्टो में, एब्सोल्युटली फ्री, बढ़िया मालामाल हो सकते हैं। और ऐप का नाम है वॉक क्लब, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी से साइन अप करना है और साथ ही में जो रेफरल कोड आपकी स्क्रीन में आ रहा है वो आपको यूज करना है साइन इन करने के लिए। और इसके बाद आपको अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है ऐसे शक्ल दिखा के और आप बस वेरीफाई हो जाओगे। और इसके बाद आपको बस क्या करना है कि लिटरली चलना अपने ऐप को खोल के, दिखाता हूं भाई कैसे। ये देखो दोस्तों, मैं अभी चल रहा हूं और जो ऐप है उसके अंदर स्टेप गिनते जा रहे हैं और जैसे जैसे मैं चलूंगा स्टेप और बढ़ते रहेंगे और जैसे मेरे 2000 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे WCX मिलेंगे जिन्हें मैं क्लेम कर सकता हूँ, क्लेम करके डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। दैट इज वेरी गुड। और अगर आपको अभी भी समझना है तो ऐप में कॉलेज वाला सेक्शन है जिसमें आप लिटरली वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आपको अपने पैरों का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत रिवॉर्ड्स कमाने हैं। और ऐप में आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, साथ ही में कोई भी पैसे नहीं डालने, तो एकदम एब्सोल्युटली डेंजर फ्री है और एकदम स्कैम प्रूफ है। तो जाओ जाके डाउनलोड करो ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जो रेफरल कोड आपकी स्क्रीन में आ रहा है उसको यूज करना और बढ़िया चल के रिवॉर्ड्स कमाओ। फिर जो आज
न्यूज है और आजकल की काफी कूल न्यूज है कि जो नई वाली वर्न है उसके स्पाई शॉट आ गए है और इस गाड़ी की थोड़े बहुत और टीजर वगैरह भी कंपनी अपलोड करना शुरू कर दी है और काफी कूल गाड़ी लग रही है पहले से, जिसमें हमको एक सिंगल ऐसे बार सा मिलता है एलईडी का सामने, काफी कूल लग रहा है और काफी यूनिक सा है। और साथ ही में हमको बहुत ही साइड में स्ट्रीमलाइन सी लुक्स मिलती है जैसे आपको नई वाली इलांट्रा में मिलती है अमेरिका वाले वर्जन में। साथ ही में आपको पीछे नए टेललाइट्स मिलती है और अब इस गाड़ी में आपको काफी तगड़े नए फीचर्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है और आपको ऐसे बड़ी बड़ी स्क्रीन वगैरह मिलने वाली है। और जो इस गाड़ी का रियल फीचर होने वाला है कि इस गाड़ी में अब आपको डीजल ऑप्शन नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको पेट्रोल मिलने वाला है, पर दो डिफरेंट वर्जन में, एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल। और जो टर्बो पेट्रोल है उसमें आपको 160 हॉर्स पावर मिलने वाली है। आपको 160 हॉर्स पावर मिलने वाली है आपकी ह्यूंडई वर्ना में, जो स्कोडा स्लाविया या फिर जो वर्टस वगैरह, अपने आपको ऐसे बढ़िया परफॉर्मेंस सेडान बनती है 150 हॉर्स पावर में। अब 160 हॉर्स पावर वाली ह्यूंडई आ रही है, बढ़िया भाई, मजे आएंगे इस गाड़ी को ड्रैग रेस में लाने में। और अगर आपको बुक करानी है आप करा सकते हैं, इस गाड़ी की बुकिंग ओपन है और मेरे ख्याल से कराई लो, ये गाड़ी ज्यादा बढ़िया पैकेज है एज कम्पेयर टू ह्यूंडई क्रेटा या फिर जो दूसरी एसयूवीज आ रही है इस वाले प्राइस पॉइंट में। और क्योंकि एक सेडान है तो इस पर टैक्स कम लगता है, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा कम रहने वाला है उन कार्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए मेरे ख्याल से काफी अच्छी डील है। देखते हैं इसका क्या होता है और मार्च में इस गाड़ी का लॉन्च है। फिर जो आज की अगली न्यूज है और काफी यूजलेस न्यूज है कि जो जी वैगन है उसका आपको पता है इंडिया में काफी ज्यादा क्रेज बढ़ा हुआ है। और अभी कुछ महीने पहले मर्सिडीज ने जो G63 AMG आती है उसकी बुकिंग लेना इंडिया में बंद कर दिया था क्योंकि इस पे 4 साल की वेटिंग आ गई थी, तो इसलिए सेंस नहीं बनता। पर अब मर्सिडीज ने दोबारा बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है और इस गाड़ी का प्राइस भी थोड़ा बढ़ा दिया है। और बढ़ा दिया तो आपको लग रहा होगा भाई 3-4-5-6 लाख रुपए बढ़ा दिए होंगे। पहले इस गाड़ी का प्राइस एक शोरूम 2 करोड़ 70 लाख के आसपास का था, तो स्पेक वगैरह करके 3.2 करोड़ की पड़ती थी ये गाड़ी ऑन रोड। अभी इस गाड़ी का प्राइस है 3.3 करोड़ रुपीज एक्स शोरूम इंडिया, बेस मॉडल के लिए एक्स शोरूम इंडिया। तो लिटरली इस गाड़ी का प्राइस एक सिंगल बारी में मर्सिडीज ने 60 लाख रुपए बढ़ा दी है। गाड़ी एग्जैक्टली सेम है, कुछ आपको एडिशनल वैल्यू नहीं मिलती, 60 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस बढ़ा दिया है। और मान लो आप 20-30 लाख के ऑप्शन भी लोगे, 4 करोड़ की मर्सिडीज जी वैगन G63 AMG बिल्कुल सेंस नहीं बनती लेने की भाई, 2-2.5 करोड़ की आती थी 3-4 साल पहले ये। अब मर्सिडीज इस गाड़ी के 4 करोड़ रुपए मांग रहे हैं एक G63 AMG के, जो कि हाँ यूनिक लगती है पर इतनी भी यूनिक गाड़ी नहीं है कि 4 करोड़ दे दो भाई इसके लिए, मैं भाई यूरस लूंगा जाके, वो 10 गुना बढ़िया लगती है इससे। पर भाई इससे दो लोग बहुत ही खुश होंगे, एक तो वो जिन्होंने पहले 63 AMG ले ली थी तो उनके गाड़ियों के प्राइस बहुत ही बढ़ गए हैं और लिटरली उन्हें कुछ डेप्रिसिएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी अगले 3-4 सालों में। और दूसरा जो डीलर है जो कि इन गाड़ियों पे डील कर रहे हैं, भाई लिटरली इतना ज्यादा कमीशन खाते हैं इन गाड़ियों में, ऐसे मतलब 2 करोड़ 80 लाख की नई गाड़ी है 2 करोड़ 70 लाख की 3 साल पुरानी बेच रहे हैं, पता नहीं भाई क्या चल रहा है। तो यही है। और भाई बाकी GLS Maybach वगैरह का भी जो लॉन्च है इंडिया में हो गया है, तो अगर आपको लेनी आप ले सकते हैं और उस पर अराउंड 10 महीने का वेटिंग पीरियड है, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला उसके नए वाले स्पेक के बारे में। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि जो महिंद्रा है उनकी 2.66 लाख ओपन पेंडिंग बुकिंग्स रहती है, मतलब 2.5 लाख गाड़ियों को इन्हें डिलीवर करना है जिनकी कस्टमर ने बुकिंग करा रखी है, जिसमें से अराउंड 77,000 XUV700 है। तो अभी भी इस गाड़ी की डिमांड काफी हाई है, जबकि 3-4 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस बढ़ गया है, पर तब भी मेरे ख्याल से काफी वैल्यू फॉर मनी है। और 37,000 थार पे बुकिंग है और ये काफी बढ़ गई है जब से थार 4x2 आई है। जो बलेरो है इसमें 9,000 बुकिंग्स है, जो कि चलो चलता है, ये तो भाई जल्दी महिंद्रा गर्मा गर्म भेज देते हैं। अराउंड 1.2 लाख बुकिंग है महिंद्रा स्कॉर्पियो पे, और सिर्फ पिछले महीने या फिर जनवरी में स्कॉर्पियो में महिंद्रा को अराउंड 16,500 बुकिंग्स मिली है। 16,500 लोगों ने स्कॉर्पियो को बुक कराया पिछले महीने, और सोचो एक्सयूवी को कितना कराया होगा, थार को कितना कराया होगा। तो भाई लिटरली पूरे मजे में महिंद्रा इस वक्त, पैसे ही पैसा हो रखा है, इतने ज्यादा उनके कस्टमर आ रहे, इतने ज्यादा लोग पागल हो रहे और प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे ऑब्वियसली, अभी लोग इन्हें कंज्यूम कर रहे इतना। और फिर जो आज की बड़ी न्यूज है कि जो सफारी है और जो हैरियर है उसके फेसलिफ्ट का इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और अब मेरे ख्याल से कर देना चाहिए था, तो चलो कर रही है अब टाटा वाले। और इसमें हमको थोड़े बहुत नए फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे अब आपको ADAS मिलने वाला है जो कि आपको पहले नहीं मिलता था, अब आपको नई 10.5 इंच के आसपास की स्क्रीन मिलने वाली है जिसमें आपको नया टच वगैरह मिलता है, आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 7 इंच का जिसका डिजाइन थोड़ा नया है, और थोड़ा ज्यादा आपको बढ़िया UI मिलता है। तो आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है, आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मिलने वाली है, और बाकी मैकेनिकली जो गाड़ी है एक्जैक्टली सेम होने वाली है, जिसमें आपको 2.0 लीटर का डीजल मिलने वाला है जिसमें आपको अराउंड 170 हॉर्स पर मिलने वाली है। पर मेरे ख्याल से टाटा अभी भी थोड़े लेथार्जिक है, जो पेट्रोल वाला इसका ऑप्शन है भाई लॉन्च कर दो अभी, मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से सही टाइम है। जो महिंद्रा भाई 2.5-2.5 लाख बुकिंग हो रखी है उनकी, आपकी गाड़ियां भाई अगले महीने मिल जाती है, अगले महीने के अगले हफ्ते मिल जाती है, तो कुछ करो यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।